कुदरत की बेरुखी के कारण बुंदेलखंड में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। दूसरों की प्यास बुझाने वाले बांध आज खुद प्यासे नजर आ रहे हैं। सूखी धरती का कलेजा फटने लगा है। कुछ ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाला नजारा झांसी की मौरानीपुर तहसील में बना सपरार बांध का है। सूखे पड़े कुएं, खाली पड़े ये पानी रखने के बर्तन और लगभग पूरी तरह से सूखने की कगार पर पहुंच चुका ये तालाब, जहां बमुश्किल जानवर अपनी प्यास बुझा पा रहे। ये नजारा है झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर तहसील का, जहां सपरार बांध है। इस बांध से केवल झांसी जिले के गांव को ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों के सैकड़ों गांव वालों को पानी मिलता था, जो अब पूरी तरह से सूख चुका है। जमीनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। ये बांध झांसी ललितपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के संसदीय क्षेत्र में आता है। सपरार बांध को आजादी के बाद 1948 से 1952 में बनाया गया था। इस बांध को कमला सागर नाम से भी जाना जाता है। सपरार बांध ग्राम पंचायत कुरैचा बंगरा के अंतर्गत आता है। बांध की देखरेख सपरार प्रखंड झांसी रखता है। बांध में 38 गेट हैं, लेकिन अब सपरार बांध पूरी तरह से सूख चुका है। मऊरानीपुर तहसील इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से बांध बना है तब से लेकर ये कभी खाली नहीं हुआ, लेकिन इस साल पहली बार उन्होंने इस बांध का सूखा देखा, जो बुंदेलखंड में बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। इसकी हकीकत जानने के लिए जब समाचार प्लस की टीम ने सपरार बांध जाकर देखा तो दंग रह गए। जिस बांध में पानी हुआ करता था, आज उस बांध की जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई थी। ये बांध काफी विशालकाय है। कभी इस बांध की खासियत ये थी कि मऊरानीपुर और गरोट तहसील के गांव के अलावा दूसरे गांव के रहने वाले लोगों के लिए ये बांध सौगात था, लेकिन आज ये बांध इन गांव वालों की प्यास नहीं बुझा पा रहा। बांध की इस हालत का जिम्मेदार शासन प्रशासन और कुदरत की बेरुखी है। बांध की इस बदहाली के बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। कुदरत की मार के कारण बुंदेलखंड अपने दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि बारिश ना होने के कारण यहाँ सूखा हो गया। इस समय हम बुंदेलखंड के इस सपरार बांध में हैं, जहाँ पर बारिश ना होने के कई सालों के कारण यहाँ पर सूखा घोषित हो गया है। आप देख सकते हैं कि जमीनों में किस प्रकार दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ तक कभी यहाँ पर बारिश पानी इतना भरा होता था कि यहाँ पर आने पे लोग आने में भी कतराते, लेकिन आज आलम यह है कि आप देख सकते हो कितनी गहरी गहरी यहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं कि यहाँ के किसान लगातार अपने आंसू रो रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का यहाँ कहना है कि ये बांध आजादी के पहले पंचवर्षीय में बना, लेकिन अभी तक इसको कभी भी खाली नहीं देखा गया। पहली बार देखा गया है, प्रशासन से भी अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर क्या कारण है, किस स्थिति किस हादसे के इंतजार में प्रशासन बैठा हुआ या किस गमी के लिए बैठा हुआ है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बांध की देखरेख करने वाले कर्मचारी ने अपना और अपने विभाग का बचाव करते हुए बताया कि बांध में पानी अप्रैल तक चला है। जल संस्थान ने इसका पानी बचाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बचा सके। धीरे धीरे लगभग 10 जून तक बांध का पानी सूख गया और तब से लेकर अभी तक इस बांध की हालत हर दिन दयनीय होती जा रही। अप्रैल तक तो चला है ये पानी डैम का, और फिर मई से है जो उन्होंने मतलब जल संस्थान वालों ने वहाँ से पंप लगवाया, नाल जाल खुलवा के लिया, मई उसी में निकल गई, और जून लास्ट मई और कछु 8-10 जून तक पानी वहाँ से आता रहा। बांध का पानी जो है 10 जून से मतलब सूख गया है। हमारे विभागी जाते रहे, उन्होंने मतलब आदमी लगा के नाली करवाई, और इसके अलावा जो आपके SDM साहब है जो है 8 दिन में 2-3 दिन में मतलब चक्कर लगाते रहे, उन्होंने भी पानी के लिए काफी प्रयास किया। बुंदेलखंड में सूखे और बदहाली को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही लाख वादे करती हो, लेकिन उन वादों में कितनी सच्चाई है, इसकी बानगी ये सपरार बांध है, जो आज अपनी प्यास बुझाने के लिए जूझ रहा है। झांसी से समाचार प्लस के लिए प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट।